टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अनुपमा सीरियल से काफी फेमस हो गई हैं। उनका शो लंबे समय से नंबर वन शो बना हुआ है। उनके रोल को और सीरियल को काफी पसंद किया जा रहा है। लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। उन्होंने अपने करियर को लेकर अब बड़ा खुलासा किया है। रूपाली फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए अपने सपने को पीछे छोड़ा। इसकी वजह है कास्टिंग काउच। रूपाली गांगुली ने खुद इस बारे में बताया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कास्टिंग काउच ही इकलौता कारण था जिस वजह से उन्होंने फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। उस समय इसका चलन था और वो उससे डील नहीं कर सकती थी। अनुपमा एक्ट्रेस ने कहा कि मेरा बैकग्राउंड फिल्मी था, लेकिन मैंने अपने पिता से वादा किया था मैं कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करूंगी और इसी वजह से उन्होंने मुझे हीरोइन बनने दिया है। उन्होंने अपने परिवार के संघर्ष के बारे में भी बताया है। अनुपमा मिलने से पहले उनको किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा इस बारे में रूपाली ने बताया। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वेट्रेस की भी नौकरी की है। उनके फादर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को काफी ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल भी करना पड़ा है, लेकिन रूपाली ने और उसकी फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी। वेल, अभी की बात करें तो रूपाली अनुपमा में मेन रोल में है और उन्हीं के कारण ही शो में इतनी जान है। तो कैसी लगी आपको ये अनुपमा की रियल लाइफ स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।